गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल उर्वशी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो गाइज इन दिस वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फाइनली अपना नायका हॉल। सो गाइज मैंने नायका से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाय किए हैं जिसमें बहुत ही अच्छा मुझे डील एंड डिस्काउंट मिला है। इफ यू वॉन्ट अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा टाइम। कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप बाय करना चाहते हो, लॉरियल हो गया, लैक्मे होगा, मेबलिन हो गया, इन सब पे बहुत ही अच्छा डील एंड डिस्काउंट चल रहा है। अप टू 50% 40% तक का आपको ऑफ मिल रहा है हर एक ब्रांड पे। सो यू कैन सी मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स बाय किए हैं नायका से। सो दैट मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट बाय किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये हेल्पफुल लगे, सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्लीज कीप ऑन वॉच। फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने बाय किया है दिस बायोटिक बायो कुकुम्बर टोनर। सो ये टोनर मैंने बाय किया है। ये टोनर मुझे काफी टाइम से ट्राई करना था, मैंने इसे एक बार भी ट्राई नहीं करा है। इफ यू हैव ऑयली स्किन, इफ यू हैव नॉर्मल स्किन, सो ये टोनर आपको बहुत अच्छे से सूट करेगा। सो अगर आप कोई बजट में टोनर देख रहे हो तो आप इसकी तरफ मूव ऑन कर सकते हो। सो इसका प्राइस जस्ट 175 जस्ट समथिंग इसका प्राइस है और ये मुझे काफी अच्छा डील है, डिस्काउंट पे मिल गया। ओके, सो सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है, यू कैन सी कितने सारे शीट मास्क मैंने बाय किए हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएंट है, टी ट्री है, देन इसके बाद रेड वाइन है, हाइड्रोक्लोनिक शीट मास्क भी है हाइड्रेटिंग के लिए आपके फेस को, लेमन है। सो या सेकंड मैंने ये बाय किया है, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद थे और ये भी मुझे काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस से मिल गए हैं। जस्ट इनका प्राइस 700 था बट ये मुझे अफोर्डेबल 450 अराउंड में मुझे 7 शीट मास्क मिले हैं। जो इंडिविजुअल अगर आप लेने जाते हो कोई भी शीट मास्क तो आपको 100 रुपीज का मिलता है, बट आप खुद ही इसकी कॉस्टिंग कर सकते हो कि मुझे ये कितने में मिला है। मुझे ये सारे शीट मास्क 450 अराउंड में मिले हैं। तो इसके बाद जो मैंने थर्ड प्रोडक्ट बाय किया है, दिस इज फ्रॉम मेबलिन फिट मी। तो मैं इसका ये कॉम्पैक्ट बाय किया, यू कैन सी इट्स कम लाइक दिस। तो फर्स्ट आपको ये यहाँ पे कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट मिल जाता है, सेकेंड आपको यहाँ पे फुल साइज एक मिरर मिल जाता है। सो इस तरह का आपको एक मिरर मिल जाता है और एक आपको स्पंज मिल जाता है, यू कैन सी। सो ये मुझे काफी टाइम से ट्राई करना था, सो डैट मैंने इसलिए इसे बाय किया, बट इसमें मेरा शेड गलत आ गया है, 110 मेरा शेड आ गया, बट मेरा जो शेड है 230 नंबर है, बट यार ये मुझे हाइलाइटिंग के लिए काम आएगा। देन इसके बाद मैंने मेबलिन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाय किए हैं यहाँ पे। देन इसके बाद मैंने बाय किया है दिस मेबलिन ब्लशर। इसका जो शेड है, इसका शेड नंबर 25 है। सो यू कैन सी बहुत ही प्यारा कोरली काइंड ऑफ ब्लशर है ये, कैन सी बहुत ही प्यारा है। सो या सो ये भी ब्लशर मुझे बहुत टाइम से ट्राई करना था इसलिए मैंने ये बाय किया है नेक्स्ट। देन अगेन इसके बाद अगेन मेबलिन। सो अगेन मैंने यहाँ पे मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर बाय किया है। ये जो हाइलाइटर है गाइस, बहुत ही मैंने इसकी तारीफ सुनी है बहुत ज्यादा ही, बट मैंने इसे ट्राई नहीं किया था, बट आई जस्ट थॉट कि मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। सो या सो इसमें जो मेरा शेड है वो गोल्डन है, यू कैन सी, और मैं आपको थोड़ा सा इसको स्वैच दिखा देती हूँ, यू कैन सी। ये जो टोन है ना, ये इंडियन स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाती है, सो इसलिए मैंने ये गोल्डन वाला लिया है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक पिंक आता है, एक गोल्डन आता है। सो इंडियन स्किन टोन में मोस्टली गोल्डन जाता है। इफ यू हैव फेयर स्किन टोन सो डेट आप पिंक वाला भी बाय कर सकते हो। सो या तो समर आ गए हैं, हमें बहुत ज्यादा एसेंशियल अगर अभी हमें कुछ है समर में सबसे ज्यादा, सो वो है हमारा सनस्क्रीन। तो या सो मैंने यहाँ पे वाओ स्किन साइंस का सनस्क्रीन बाय किया है, दिस इज पीएफ 35। सो मिनिमम वेदर के अकॉर्डिंग हमें एटलीस्ट 30 SPF अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सनस्क्रीन है 35 SPF है, प्लस ये पैराबेन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है और इसमें हार्श कोई भी केमिकल नहीं है। सो ये वाटर रेजिस्टेंट भी है। देन इसके बाद ये जो सनस्क्रीन है, ये ऑल स्किन टाइप है, आप कोई भी स्किन टाइप के हो आप इसे ट्राई कर सकते हो। देन अगेन मैंने एक अफोर्डेबल की तरफ बाय किया है, अगेन दिस इज फ्रॉम बायोटिक। ये 50 SPF मिल जाता है और जो इसका प्राइस है जस्ट 200 रुपीज है। इफ यू वॉन्ट एक अफोर्डेबल सनस्क्रीन तो आप इस पे वर्क कर सकते हो। सो या फर्स्ट बॉक्स मेरा कंप्लीट हो गया है, देन मूव करते हैं हम अपने सेकंड बॉक्स की तरफ। सो यू कैन सी दिस इज माय सेकंड बॉक्स। सो देन इसके बाद जो मैंने बाय किया है, दिस इज फ्रॉम मामाअर्थ एलोवेरा जेल। सो मैंने एलोवेरा जेल इसलिए बाय किया, सो ये जो एलोवेरा जेल है, मैंने इसका काफी ज्यादा हाइप सुना था, बहुत सारी तारीफें सुनी थी, सो डेट इसलिए मैंने ये एलोवेरा जेल बाय किया है। दिस इज प्योर एलोवेरा जेल एंड इट्स कम विद विटामिन ई। ये विटामिन ई के साथ आता है और जो एलोवेरा जेल होता है आपकी स्किन केयर, आपकी हेयर केयर, इसमें बहुत अच्छा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। सो डेट अगर आप कोई अच्छा एलोवेरा जेल देख रहे हो सो आप इस एलोवेरा तरफ मूव ऑन कर सकते हो। और इस एलोवेरा के अंदर कोई भी पैराबेन नहीं है, कोई भी सिलिकॉन नहीं है, यू कैन सी इसमें कोई कलर भी नहीं है,
ये जस्ट आपको इस तरह का जैसे नॉर्मल लीव वाला एलोवेरा होता है ना उस टाइप से ये मुझे लग रहा है। सो बाकी मैं इसे ट्राई करूंगी, इफ अगर मुझे अच्छा लगता है सो डेट मैं इसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो देन इसके बाद मैंने यहाँ पे बाय किया है वाउ स्किन साइंस का उपटन फेस सीरम। ये उपटन फेस सीरम है, दिस इज ओ माई गॉड, मैंने इसे जस्ट 1 से 2 टाइम ही यूज किया है। इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, अगर ब्राइट टू बी हो तो इस ऐसे वाले सीरम में जिसमें उपटन और इन सब की गुडनेस होती है ना, सो वो चीज आप ट्राई कर सकते हो। सो या मैं इसका पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी, जस्ट मैंने भी जस्ट 1 से 2 टाइम ही ट्राई करा है, सो डेट मैं इसको अच्छे से नहीं बता सकती आपको। सो ये भी मुझे काफी अच्छे प्राइस में मिल गया था। सो देन अगेन मैंने यहाँ पे बाय किया है, दिस इज फ्रॉम वाओ। सो वाओ स्किन साइन का मैंने यहाँ पे यूवी वाटर सनस्क्रीन बाय की है, दिस इज ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं है। सो और ये सूट करती है, मैंने जस्ट इसलिए बाय किया है बिकॉज इट्स कॉल की ये ऑल स्किन टाइप है, आई हैव ड्राई स्किन, सो डेट इसलिए मैंने इसे बाय किया है और मैंने इसे यूज भी किया है, कैन सी। और इसको कुछ नहीं करना आपको, यू हैव टू शेक लाइक दैट देन स्प्रे। तो इफ अगर आपने अपने फेस पे मेकअप वेयर किया हुआ है और अगर आप सनस्क्रीन स्किप कर रहे हो सो डेट आप ये वाली सनस्क्रीन ले सकते हो, सो डेट आपके फेस पे एक शील्ड बन जाएगी तो जो सन की आपकी यूवी रे से बहुत अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो समर में आपको सनस्क्रीन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन बिकॉज आपको फिर टैनिंग हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। देन इसके बाद जो मेरा सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट है, दिस इज फ्रॉम निका के आई शेडो अंडर द सी। यू कैन सी इट्स कम लाइक दिस, बहुत ही प्यारे कलर्स हैं इसके अंदर। मैं थोड़ा सबको स्वैच दिखा देती हूँ, कैन सी बहुत ही प्यारी पिगमेंटेशन है और ऐसा चंकी तो अभी मुझे फील नहीं हुआ है ये, और इसकी जो मैट कलर है ना, जो पिगमेंटेशन है काफी अच्छी है। सो ये मैंने बाय किया है, इसका भी मैं आपको एक ट्यूटोरियल, इसके साथ भी कोई ट्यूटोरियल शूट करूंगी सो डेट मैं आपको अच्छे से बताऊंगी ये कैसा है। ओके सो जो लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने बाय किया है, दिस इज फ्रॉम नायका। सो नायका का मैंने ये लिप कलर ट्राई किए, लिक्विड लिपस्टिक ट्राई करी है मैंने। सो मैं दिखाती हूँ, इट्स कम लाइक कार्डबोर्ड की इस तरह की पैकेजिंग में आपको मिलता है, कि जो इनर पैकेजिंग है इस तरह की है, यू कैन सी। सो इसमें जो मेरा नंबर है, दिस नंबर इज कॉल 8। सो मैं यहाँ पे इसका स्वैच दिखाती हूँ आपको, कैन सी बहुत ही पिंकिश काइंड ऑफ कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है इसका। देन इसके बाद जो सेकंड शेड है, दिस शेड इज 5। तो ये एक न्यूड काइंड ऑफ शेड है, सो यू कैन सी द शेड, वाओ बहुत ही प्यारा सा शेड है ये। बट इस लिप क्रॉन में मुझे एक ही प्रॉब्लम लगी है, ये ड्राई होने के बाद भी मैट नहीं होते हैं, ये इस तरह से ही रहते हैं, आप इन्हें इस तरह से रिमूव भी कर सकते हो। इफ अगर आप ऐसा कोई लिप कलर देख रही हो जो मतलब स्मज प्रूफ हो, तो ये स्मज प्रूफ बिल्कुल भी नहीं, सो ये ट्रांसफर हो जाता है। सो या बाकी अगर मैं देखूँ ये लिप को हाइड्रेट करके रखेगा, मॉइस्चराइज करके रखेगा, बट ये स्टे नहीं करेगा, इसका स्टे पावर बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट कि आपके लिप्स पे एक टिंट सा छोड़ दे। सो आई जस्ट होप गाइस ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, अगर इनमें से आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो उसके थ्रू जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट्स भी आपके साथ शेयर करे। सो अभी नायका पे बहुत अच्छी सेल चल रही है, अप टू 40-50% सेल चल रही है, इफ यू वॉन्ट, अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हो तो अभी बाय कर सकते हो, बिकॉज बहुत अच्छी सेल है तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। सो इफ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी, सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मैं ऋषि मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय।